झारखंड के कैश कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम से आज तीसरे दिन भी ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। रांची में ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद 35.23 करोड़ रुपए मामले में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम की 11 दिनों के रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने इनसे पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए फिर से 3 दिनों के रिमांड पर लेने का आग्रह किया, जिस पर कोर्ट 3 दिनों की रिमांड दी और ईडी ने दोनों को 6 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी की छापेमारी में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर आलम के घर से करीब 32 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम भी गिरफ्तार हो चुके हैं और वह अभी ईडी की रिमांड पर है, जहां ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम से लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। साहेबगंज बढ़वा टोल प्लाजा 1250 अवैध खनन मामले में भी ईडी सुराग तलाश रही है और उस मामले में मंत्री जी से पूछताछ कर रही है। आज तीसरे दिन मंत्री जी आलमगीर आलम को इसी ईडी कार्यालय में पूछताछ चल रही है। इस मामले में संजीव लाल जो निजी सचिव मंत्री के हैं, जहांगीर आलम जो नौकर है उसके यहाँ 35 करोड़ 23 लाख रुपया बरामद हुआ था, कई हार्ड डिस्क बरामद हुआ है और उस मामले में मंत्री जी से आमने सामने बैठा कर ईडी के अधिकारी और ईडी के टीम कई तथ्यों पर जांच कर रही है। अब देखना होगा कि मंत्री जी के जो और लोग हैं जो संबंधित और कई करीबी जो संजीव लाल के करीबी, चाहे वह मुन्ना सिंह ठेकेदार यहाँ से करोड़ रुपया बरामद हुआ था या राजीव सिंह के घर से भी, तो अब देखना होगा कि ईडी आज तीसरे दिन भी मंत्री जी और उनके निजी सचिव और जहांगीर आलम से पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में ईडी और कई नेताओं, सफेदपोश और कई अधिकारियों को समन भेज सकती है। अब जांच में कई तथ्यों का खुलासा ईडी ने किया है। अब कल जो पेशी, जब जहांगीर और संजीव आलम का पेशी हुआ, उसमें कई तथ्यों का जिक्र किया गया कि जो हार्ड डिस्क कंप्यूटर का पकड़ाया है और चाहे वो मोबाइल का डाटा निकालकर पूरी ईडी के टीम और ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। अपने कैमरामैन सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और रांची से सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, लगातार पूछताछ कर रहे हैं ईडी के अधिकारी, अब तक इस पूरे पूछताछ के प्रकरण की बात करें तो क्या कुछ अहम जानकारी ईडी के हाथ लगी है? देखिए रश्मि, कल जब दोनों आरोपियों को, संजीव लाल और जहांगीर आलम को, कोर्ट में पेश किया गया और 3 दिन का रिमांड मिला, उसके बाद संजीव लाल और जहांगीर आलम जो नौकर है, जहांगीर आलम माफ कीजिएगा, तो उस मामले में दोनों को आमने सामने बैठाकर, चाहे वो मंत्री हो चाहे निजी सचिव हो, उनके आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ कर रही है। क्योंकि 32 करोड़ 23 लाख रुपया जो बरामद हुए थे, उस मामले में कई कागजात बरामद हुए हैं, कई कंप्यूटर के हार्ड डिस्क जब्त किए गए हैं और कई डिवाइस जब्त किए गए हैं। उस मामले में मंत्री जी से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी जवाब जो दे रहे हैं उसे ईडी के अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण उससे लगातार पूछताछ जारी है। और जो स्थिति है कि अभी भी पूछताछ का सिलसिला जारी है, कई टीम बनाकर ईडी के अधिकारी बार बार पूछताछ कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ईडी के अधिकारी और कितनों लोगों को समन कर इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है और लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है, चाहे वह साहेबगंज के अवैध खनन मामले में 12.5 करोड़ के मामले में, उस मामले में मंत्री जी से पूछा जा रहा है, और डेटा भी सामने आए हैं, ये बात भी कही जा रही है, इसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जो डेटा आने के बाद लगातार दोनों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर यह जो कंप्यूटर डाटा जब्त किया गया है और जो 1.5% कमीशन के मामले में भी मंत्री जी से पूछताछ की जा रही है कि आखिर यह रुपया जो एक अभियंता के सहारे आपके तक पहुंचता था, तो कई सवाल ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।